جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس Welcome to my YouTube channel. आज के इस नए व्लॉग में आप सभी को खुश आमदीद, सबका तहे दिल से स्वागत। डांग जिले को कुदरत ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। डांग जिले के जंगलात, बहते चश्मे, नदी, तरबतर पहाड़, और चूंकि अभी अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है तो काफी हरियाली अभी भी बाकी है। चूंकि यहाँ पर दरख्त है, जंगलात है, प्रकृति है, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन मिलता है और हमको साफ सुथरा पानी, बहुत सारी नेमतें हैं डांग जिले में। तो ये चलो चलते हैं और लेते हैं आनंद। डांग ज़िले के कुछ हिस्सों का आपने नज़ारा कर लिया। अब हम जा रहे हैं गीरा वाटरफॉल देखने के लिए। गीरा धोद से पहले ये एंट्री गेट है और यहाँ पर पार्किंग एरिया है, और ये बीच में एक होटल है और गेस्ट हाउस भी है साथ में। यहाँ पे अगर आप नाइट स्टे करना चाहें तो यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं। केम छो मासी, तबीयत सारी छे? आ तमे पोते हाथ थी बनाओ? तमारी छोकरी बनावे हाथे ज? हाँ, आ शो में मूकवानुं वस्तु छे शोकेस माटे, बराबर ने? आ शुं छे? ओ सीसोटी, हाँ वगाड़वानी, हाँ छोकराओ माटे। अने आ आपड़ा डांग जिल्लाना जे आ वास ने आवे एनी ज बने ने? अभी आ केटलानी छे मासी? 50 रुपया। मारी उम्र केटली मासी? उमर उमर तमारी? हाँ, 80 वर्ष की उम्र है। 80 वर्ष की उम्र में पण तमे आखो दिवस अहींया बेसीने वेचो छो। सुभान अल्लाह, आशीर्वाद आपजो अमने पण। अमे चिखली थी आव्या। हाँ हाँ, नजीक छे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारी वजह से किसी का घर चलता है। ये हमारे मासी है और ये इनकी बेटी जो है वो ये आदिवासी है और डांग के ही रहने वाले। मासी कहाँ रहवानू? क्या रहवानू तमारे? आज आज गाम में यहाँ आजू बाजू में रहो छो? अच्छा, तो ये इनका घर है पीछे, ये पीछे इनका घर है। और ये जो है वो रात दिन मेहनत करते हैं और ये जंगल से लकड़ियाँ इस तरह लाते हैं और फिर कितनी मेहनत से ये बनाते हैं। और एक लकड़ी हमने ली है, मजबूत है, और ये इन्होंने मेहनत से इसको बनाया है, इसको पॉलिश किया है। कीमत है 50 रुपया। तो इनका घर चलता है। तो जब भी ऐसी जगह पर जाए तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ ले लिया करें ताकि इनका भी चूल्हा चलता रहे। ₹50 तुमने आपने। पानी के बहते चश्मे अपनी आवाज़ों से आपके गम ज़रूर बुला देंगे। गुजरात में पानी के इस तरह के चश्मे और वाटरफॉल्स काफ़ी हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। इन चश्मों में से एक चश्मा और वाटरफॉल है ये गीरा धोद। वघई कस्बे के पास खापरी नदी जब अंबिका नदी में गिरती है तो ये चश्मा इस तरह जारी होता है। फिर ये अंबिका नदी आगे बढ़ते बढ़ते बिल्ली मोरा पहुंचती है और बिल्ली मोरा से करीब हमारा जो अरबी समुद्र है वहां पर जाकर मिल जाती है। इस वाटरफॉल की बुलंदी और ऊंचाई करीब 25 मीटर है। तकरीबन 300 मीटर वसीअ नदी इस तरह चश्मे की शक्ल में बहती हुई कितनी खूबसूरत लगती है। ये चश्मा जब बारिश जारी रहती है और बारिश होती है तो उस वक्त अपना अलग रंग दिखाता है, और जब पानी कम हो जाता है जैसे इस वक्त पानी कम है तो इस पानी का रंग भी बदल जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वाटरफॉल का नाम घीरा कैसे पड़ा? वैसे एक नदी के ऊपर से इस वाटरफॉल का नाम गीरा पड़ा है। महाराष्ट्र के जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई गीरा नदी डांग जिले तक पहुंचती है और डांग जिले के गांव आंबापाड़ा के नजदीक एक बुलंद खड़क से ये नदी बहती हुई अंबिका नदी में मिलती है। तो चूंकि ये पानी दरअसल गीरा नदी से आता है, जिसकी वजह से इस वाटरफॉल का नाम भी हो गया गिरा धोध। दोस्तों, ये वाटरफॉल और ये गिरा धोध कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी घर बैठे बैठे दिल चाहता है कि थोड़ा आउटसाइड निकलकर रिलैक्स हुआ जाए तो मेरे हिसाब से ये डांग ज़िला ख़ास तौर से बहुत ही बेहतरीन जगह है और यहाँ पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह दिल दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, इसलिए कि चारों तरफ हरियाली है, पोल्यूशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और नदी है और बहते हुए चश्मे हैं। यहाँ पर आकर के वाकई तबीयत रिलैक्स हो जाती है। नेचर ही नेचर अल्हम्दुलिल्लाह, और चढ़ते बादल, बहती नदी, ये अंबिका नदी जो मेरे गांव के करीब से भी गुजरती है। ये दोस्तों, अब घड़ी में 12:30 हो चुके हैं दोपहर के। वैसे 11 साढ़े 11 बजे हम लोगों का दोपहर का खाने का मामूल है, तो भूख भी काफ़ी लग रही है और हम तलाश में थे कि कोई अच्छी जगह मिल जाए खाने के लिए। तो घर से तोशा तो लिया है, ये अच्छी जगह खाने के लिए मिल गई है। यहाँ पर ये झोपड़ी है बांस की बनी हुई, बिल्कुल रास्ते के किनारे।